जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 का 116वां मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये जो मैच आपको भारत के टाइम के अनुसार रात को 9 बजे खेला जाएंगे और ये मैच आपको बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएंगे। तो ये जो मैचेस है भाई, कोलकाता बंगाल वॉरियर्स के लिए होम ग्राउंड रहने वाला है, नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में होगा और ये जो मैच आपको बेंगलुरु वर्सेस गुजरात के बीच में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई, आपको डिफेंस डिपार्टमेंट में किस प्लेयर को लेना चाहिए, ऑलराउंडर्स पे कितने प्लेयर्स तक सही रहेंगे और राइडिंग डिपार्टमेंट में वो दो तीन राइडर कौन है, उनको क्यों लेना चाहिए, ये सारा जानकारी तो आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या है। अगर आप ये नहीं जानोगे भाई, आपको राइट कवर पे कौन खेल रहे हैं, लेफ्ट कवर पे कौन खेल रहे हैं और कॉर्नर्स पे कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैक टू बैक, ये भी जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स के लिए भाई यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट पे आके कौन सा प्लेयर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर ये सब कुछ आप जान जाओगे तो आपको यहाँ पर टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो भाई यहाँ पर काफी जस है अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आपको वीडियो पे शो होगा भाई, टेलीग्राम पे जाके आपको इसी प्रकार सर्च कर लेना @SSCFantasy। अगर आप इस प्रकार सर्च कर लेते हो तो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल से हो जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एक और बात है, आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन एक और बात है यहाँ पर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, आप वहां जाके देख सकते हो। और पॉइंट शिफ्ट पे दोनों टीम कितना पोजीशन पे एक बार नजर रखते हैं भाई यहाँ पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं बात करूंगा बेंगलुरु बुल्स। तो बेंगलुरु बुल्स अगर देखा जाए तो अभी भी इस टीम के पास मौका है, ये दोनों टीम अभी तो क्वालिफाई नहीं हुआ भाई, तो गुजरात जायंट्स और कितने मैचेस जीतेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, ये भी आपको जानना काफी जरूरत है। और बेंगलुरु बुल्स अगर जीतेंगे तो क्यों क्वालिफाई होंगे भाई और कितने पॉइंट्स इनको लाना है और कितने पॉइंट्स अभी तक इनके पास है, इस सब कुछ जानेंगे। तो पहला हम बात करते हैं भाई बेंगलुरु बुल्स की, 19 मैच खेले हुए अभी तक इस सीजन में, 7 मैच जीते हैं भाई यहाँ पर, 10 मैच हार गए और 2 मैच टाइड हुआ और ये पॉइंट टेबल पे 7th पोजीशन पे, और इनके पास अगर देखा जाए तो 48 पॉइंट है भाई यहाँ पर, तो ये टीम के पास अभी भी मौका है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स, तो गुजरात जायंट्स अगर देखा जाए तो ये टीम भी भाई 19 में से 11 मैच जीते, 8 मैच हार गई ये टीम और ये पॉइंट टेबल पे कितना पोजीशन, 4th पोजीशन पे, और इस टीम के पास अगर देखा जाए तो 60 पॉइंट है भाई यहाँ पर। तो ये मैच अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली केसी, ये तीन टीम क्वालिफाई हो चुके हैं, गुजरात जायंट्स अभी चौथा पोजीशन पे। तो अगर आप सोच सकते हो अगर गुजरात जायंट्स ये मैच जीत जाते हैं भाई तो आप समझ सकते हो कि ये टीम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इनके पास 60 पॉइंट है और 7 पॉइंट है भाई यहाँ पर हरियाणा स्टीलर के पास है, पटना पायरेट्स के पास 60 पॉइंट है, सॉरी 58 पॉइंट है भाई, और बेंगलुरु बुल्स के पास यहाँ पर 48 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बेंगलुरु गुजरात जायंट्स अगर नेक्स्ट मैच जीतते हैं भाई बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ तो ये टीम सीधा क्वालिफाई हो सकते हैं भाई। तो यहाँ पर गुजरात जायंट्स के लिए मैच करो या मरो की स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये मैच जितना इंपॉर्टेंट है अगर प्लेऑफ खेलना तो। तो यहाँ पर आप सभी को पता है राम महर सिंह की कोचिंग है, तो यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर सहरावत साहब को भी आप कमजोर कुछ समझना, क्योंकि भाई ऑलरेडी एक बार बेंगलुरु बुल्स को टाइटल जिता चुका है भाई, तो ये टीम काफी स्ट्रांग भी है। तो यहाँ पर इस टीम की वीकनेस क्या है मैं बताना चाहूंगा बेंगलुरु बुल्स के, तो बेंगलुरु बुल्स की जो वीकनेस है भाई, जो मेन राइडर्स है वो नहीं चल रहे, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो खेल रहे हैं, और गुजरात के भी अगर देखा जाए तो मुझे यही प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में सोनू जगरन अच्छा खेल रहे थे, वो यहाँ पर ड्रॉप किए, तो प्रतीक दहिया को एक मैच में ड्रॉप किए भाई, तो लास्ट मैच में अच्छे खेले थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों टीम के पास कमजोरियां हैं और वो कमजोरियां अगर कवर कर लेते हैं भाई प्ले ऑफ को दोनों टीम को क्वालिफाई होना है, क्योंकि दोनों टीम ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं भाई। तो यहाँ पर गुजरात जायंट्स अभी तक एक बार भी नहीं जीता, लेकिन राम महर सिंह उस टीम का हिस्सा रह चुका है भाई, पटना पायरेट्स 3 बार टाइटल जीते। तो यहाँ पर गुजरात जायंट्स की कोचिंग कर रहे हैं भाई, लास्ट सीजन में तो इतना अच्छा नहीं गया था राम महर सिंह के लिए, लेकिन ये सीजन इनके लिए काफी बड़ा है। फजल अत्रा चले भाई यहाँ पर मैन ऑफ फाइनल्स बोला जाता है भाई, काफी फाइनल खेल चुके हैं प्रो कबड्डी की हिस्ट्री में, और यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स एक बार जीते हैं भाई, क्या इस बार जीतेंगे क्या हम लोग को देखना, लेकिन अगर प्ले ऑफ क्वालिफाई होगा भाई तभी यहाँ पर दोनों टीम के पास चांसेस रहेंगे। तो चलिए अब आपको मैं बताऊंगा दोनों टीम के प्लेइंग 11 क्या रहने वाले। तो प्लेइंग 11 में यहाँ पर देखने से पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स, तो बेंगलुरु बुल्स जो लास्ट मैच खेले भाई पुनेरी पल्टान के खिलाफ 9 पॉइंट से हार गए थे, और ये जो मैच है 109वां मैच था भाई। तो यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स लास्ट मैच हार गए थे और इस मैच में कौन कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिए ये सब कुछ एक बार नजर रखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा गया भाई इस टीम के पास यहाँ पर काफी अच्छे प्लेयर्स है भाई, लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच में देखा गया तो यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स हैं यहाँ पर दोनों टीम से भाई,
कुछ अच्छे परफॉर्मेंस निकले थे और कुछ प्लेयर्स है भाई उनकी खराब परफॉर्मेंस निकला था। अक्षित डुल भाई यहाँ पर इस प्लेयर पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं भाई, यहाँ पर इनको मेन राइडर बनाया जा रहा है, लेकिन भाई लास्ट मैच में जब देखा गया था इनके पास ओनली 3 राइडिंग पॉइंट मिले और ये लेफ्ट राइडिंग की तरफ करते हैं भाई, ये भी आपको जानना है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉर्नर राइट कॉर्नर पे कौन सा प्लेयर खेल रहे हैं भाई और यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा प्लेयर खेल रहे हैं, कवर्स पे कौन खेल रहे हैं, तो इनकी जो राइडिंग स्किल है भाई यहाँ पर लेफ्ट राइडर है भाई यहाँ पर अक्षित डुल। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको सुरजीत सिंह है भाई, यहाँ पर सुरजीत सिंह तो आप सभी को पता है प्लेइंग 11 पे जरूर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्रो कबड्डी की हिस्ट्री में अगर देखा जाए भाई यहाँ पर फजल अत्राचली सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लिए भाई, उसके बाद यहाँ पर सुरजीत सिंह सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और तीसरा जो पोजीशन है भाई मंजीत चलर ऑलरेडी रिटायर ले चुके हैं, तो सुरजीत सिंह को कमजोर समझ रहा है हम लोग का भूल रहेगा और यहाँ पर अभी 2-3 मैचेस से ये भी नहीं चल रहा है, तो भाई यहाँ पर इनको प्लेइंग 11 पे मैं जरूर रखूंगा। तो फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर हमने 2 प्लेयर को पिक कर चुके हैं, तो उसके बाद आते हैं भाई तीसरा प्लेयर कौन है, तो तीसरा प्लेयर में अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको एक ऑलराउंडर पे मैं जाना चाहूंगा भाई प्रतीक, लास्ट मैच में 6 टैकल पॉइंट्स लिए थे भाई यहाँ पर लेफ्ट कवर पे आके खेलते हैं और ये प्लेयर डिफेंडर है भाई यहाँ पर, तो आप इनको टीम पे रखिएगा 6 पॉइंट इनको मिला दे। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर राइडिंग डिपार्टमेंट में नया प्लेयर है भाई यहाँ पर सुशील ओम, ये प्लेयर ने लास्ट मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दी और यहाँ पर इनको 9 राइड पॉइंट मिले, तो आप देख लीजिएगा भाई यहाँ पर हमने 4 प्लेयर तो पिक कर चुके। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर कौन सा प्लेयर है, यहाँ पर सौरभ नंदल है भाई बेंगलोर बुल्स का कप्तान, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये जो 5 प्लेयर है लास्ट मैच में अच्छे परफॉर्मेंस दिए, सौरभ नंदल को 3 टैकल पॉइंट मिले थे, सुरजीत भले ड्रॉ अच्छा नहीं खेले भाई 1 ही टैकल पॉइंट ले पाए, लेकिन यहाँ पर ये 5 प्लेयर आपको प्लेइंग 11 पे जरूर रहेंगे, ये 5 प्लेयर को आपको भी टीम पे रखना ही पड़ेगा। और अभी यहाँ पर कितने प्लेयर्स मिस हो रहे हैं भाई, 2 प्लेयर्स मिस हो रहे हैं, तो ये 2 प्लेयर को कौन रह सकते हैं, तो भाई यहाँ पर ये 2 प्लेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला नाम आते हैं भाई यहाँ पर, तो इसमें आपको मैं एग्जांपल के लिए एक प्लेयर को मैं ड्रॉप करके सौरभ नंदल को ड्रॉप कर रहा हूँ भाई और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ भाई यहाँ पर, चलिए एक बार चेक करते हैं कौन कौन सा प्लेयर है, अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा भाई यहाँ पर, अगर आप अक्षित डुल को ड्रॉप करते हैं रन सिंह भी आपको प्लेइंग 11 पे नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए भाई आपको प्लेइंग को ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रन सिंह भी लास्ट मैच में 4 टैकिंग पॉइंट ले चुके हैं, तो रन सिंह को ड्रॉप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये प्लेइंग 6 पे, यहाँ पर आपको अभी तक 5 प्लेयर तो मैं बता चुका हूँ भाई, अक्षित डुल भी एक काफी बढ़िया पिक है, उसके बाद सौरभ नंदल, यहाँ पर आपको 7 प्लेयर्स कौन रहेंगे आपको मैं बताऊंगा, सौरभ नंदल है भाई, सुरजीत सिंह है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रतीक, यहाँ पर ऑलरेडी मैं टीम पे ले चुका प्रतीक और यहाँ पर रन सिंह है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अक्षित डुल ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई, तो अभी तक अगर देखा जाए तो 5 प्लेयर को मैंने कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे भाई ये प्लेयर है यहाँ पर आपको सुशील ओम, ये काफी बढ़िया प्लेयर है भाई, लास्ट मैच में 9 राइट पॉइंट लिए थे, और यहाँ पर आपको एक और प्लेयर नजर आ सकते हैं भाई, यहाँ पर आपको मोनू आप सभी को पता है भाई पटना पायरेट्स का भी हिस्सा रह चुके हैं और ये प्लेयर को इनको मौका मिल सकते हैं भाई, तो ये सारे जो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं मैंने प्लेइंग 11 एक्सप्लेन किया भाई, क्योंकि आप सभी को पता है आपको यहाँ पर 5 ही प्लेयर हम लोग कबड्डी पे पिक कर सकते हैं और 2 प्लेयर कौन है आपको मैं बता चुका हूँ, तो भाई ये रहेगा इसी प्रकार प्लेइंग 11 और यहाँ पर लास्ट मैच पे सब्स्टिट्यूट पे आके कौन सा प्लेयर अच्छा खेले, तो सब्स्टिट्यूट पे आके यहाँ भाई एक ही प्लेयर अच्छा खेले थे यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स के लिए और वो कोई नहीं भाई यहाँ पर थे भरत, यहाँ पर आप सभी को पता है इस टीम का मेन राइडर थे, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है इसलिए इनको सब्स्टिट्यूट पे यूज कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक रॉन्ग स्टेप हो सकता है, इनको मौका दिया जा सकता है क्योंकि ये प्लेयर काफी कमाल का है, काफी सुपर टेन भी लगा चुके हैं, अगर ये प्लेयर को ट्राई करते हैं भरत को तो अच्छा रहेगा और ये 1-2 मैचेस में आपको प्लेइंग 11 पे नजर आएंगे, सब्स्टिट्यूट पे नजर नहीं आने वाले, तो यहाँ पर एक टीम की तो प्लेइंग 11 हमने देख लिया भाई, अभी आपको मैं बताऊंगा दूसरा टीम की, तो यहाँ पर दूसरा जो टीम है गुजरात टीम्स, तो गुजरात टीम जो लास्ट मैच खेले थे भाई यहाँ पर किस टीम से जीते हैं, तो यहाँ पर गुजरात टीम्स लास्ट मैच बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ जीते थे भाई और ये जो मैच था काफी बढ़िया मैच था और ये मैच गुजरात टीम्स ने पूरे 9 पॉइंट से जीत लिए थे, और ये मैच में कौन सा प्लेयर अच्छा खेले ये जानकारी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको लास्ट मैच में बंगाल गुजरात टीम्स के लिए यहाँ पर जो पहला प्लेयर है भाई राकेश काफी अच्छे खेले थे भाई यहाँ पर, राकेश ने लास्ट मैच में 11 राइट पॉइंट लिए थे, अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो फजल काफी दिनों के बाद भाई यहाँ पर अपना हाईफाई लगाए, तो यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस 2-3 टैकल पॉइंट से ज्यादा नहीं जा रहा था और यहाँ पर कैप्टन भी संभाल रहे हैं भाई, कैप्टनशिप मैनेजमेंट पूरे संभाल रहे हैं और फजल मैन ऑफ फाइनल्स भी बोल सकते हो भाई, काफी फाइनल्स खेल चुके हैं और यहाँ पर फजल आपको एक बढ़िया पिक है, तो फजल तो ये आपको देख सकते हो भाई ये जो 2 प्लेयर है राकेश अंग्रेजी और फजल ये दोनों को मैंने पिक किया भाई। उसके बाद यहाँ पर 5 प्लेयर बचे और ये 5 प्लेयर कौन है भाई आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको राकेश को हमने ले लिया भाई और फजल को भी हमने पिक कर लिया, तो यहाँ पर आपको
ऑल राउंडर्स पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर नजर आ सकते हैं, रोहित बुलिया, क्योंकि भले लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, दो ही राइट पॉइंट ले पाए भाई, लेकिन अभी भी इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्लेयर को ड्रॉप करना चाहता हूँ, यहाँ पर गुजरात जयंट्स है, बालाजी डी को काफी मौका मिल रहा है भाई यहाँ पर, लेकिन ये प्लेयर की परफॉर्मेंस खास नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर अगर इनको ड्रॉप कर दें तो अच्छा रहेगा, तो इनको मैं टीम पे नहीं लूंगा। उसके बाद यहाँ पर नबी बख्श को भी यहाँ पर अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो भाई, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, इनको मौका मिला था लास्ट मैच में, तो इनका अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में ये एक ही टैकल पॉइंट ले पाएगा भाई, और राइट पॉइंट जो भी आप बता सकते हो, लास्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, और उसके बाद सोंडी रहा भाई यहाँ पर इस टीम की। तो ये जो पांच प्लेयर्स है भाई, ये पांच प्लेयर आपको प्लेइंग सेवन पे जरूर रहेंगे, और ये पांच प्लेयर को चाहे स्मॉल लीग खेलो ग्रैंड लीग खेलो भाई, ये प्लेयर्स आपको टीम पे रखेंगे तभी आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने पांच प्लेयर तो देख लिया भाई, अब दो प्लेयर्स और कौन है, ये दो प्लेयर्स को क्यों लेना चाहिए, सब कुछ आपको डाउट अभी आने वाले, तो चलिए आपको मैं बताना चाहूंगा वो दो प्लेयर कौन है। तो भाई यहाँ पर पहला जो नाम है आपको आते हैं यहाँ पर प्रतीक दहिया, तो भाई प्रतीक दहिया क्यों इनको लेना चाहिए भाई, प्रतीक दहिया यहाँ पर काफी बढ़िया पिक है भाई, यहाँ पर काफी प्रतीक दहिया लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट पे खेले थे और पूरे 13 राइट पॉइंट कमाल की परफॉर्मेंस इनका था, सब्स्टिट्यूट पे आके एक ही प्लेयर लास्ट मैच में अच्छा खेले हमें और वो कोई नहीं प्रतीक दहिया थे, तो प्रतीक दहिया को आप टीम पे जरूर रखिएगा और ये प्लेयर आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और लास्ट मैच में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरे छह प्लेयर्स बता दिया भाई, और एक प्लेयर कौन है भाई, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बालाजी डी को तो यहाँ पर काफी मौका मिल रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर आते हैं भाई दीपक सिंह रवि, तो यहाँ पर आप इनको टीम पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई दीपक सिंह अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में ये दो टैकिंग पॉइंट इनको भी मिल चुका है भाई यहाँ पर, तो आप इनको टीम पे रखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप दीपक सिंह को भी अपने आप अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं है। तो ये रहा भाई प्लेइंग सेवन दोनों टीम की। अब हम बात करेंगे आपको टीम किस प्रकार बनाना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो टीम रहेगा भाई दोनों टीम के लिए मैच काफी इंपॉर्टेंट है, अगर गुजरात जीते हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पर बेंगलोर भी जीतते हैं तो यहाँ पर अभी भी इनके पास मौका है प्लेऑफ खेलने की। तो आपको मैं बताना चाहूंगा भाई सुरजीत सिंह फजल, इन दोनों में एक ही प्लेयर को लूंगा भाई, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा फजल के साथ, उसके बाद सौरभ नंदन सोमबीर है, तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए भाई सौरभ नंदन, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो इनको मैं पिक करूंगा मैं, सोमबीर भी काफी बढ़िया पिक है और यहाँ पर दीपक सिंह है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा भाई बेंगलुरु के लिए प्रतीक ने लास्ट मैच में 6 टैकल पॉइंट लिए थे, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो रन सिंह है भाई, इस्माइल नबी बख्श, रोहित बुलिया भाई, तो अक्षित डुल है, तो यहाँ पर आपको अक्षित डुल के साथ जाना भी सही रहेगा, तो अक्षित डुल को आप ले सकते हो, अगर आप प्रतीक को ड्रॉप करना चाहते हो भाई तो रोहित बुलिया को आप टीम में ले लीजिए, नहीं तो आप इस्माइल नबी बख्श को भी आपकी टीम में ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने चार प्लेयर को पिक किया भाई, उसके बाद राइडिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो प्रतीक दहिया रहेंगे भाई, और यहाँ पर आपको सुशीलो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है अक्षित डुल अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो सुशीलो हम आपको राइडिंग करते संभालेंगे, और यहाँ पर राकेश संग्रोया को आप टीम पे ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स मिस हो रहे हैं, भरत आपको सब्स्टिट्यूट भी खेलेंगे, और यहाँ पर अक्षित डुल को ऑलरेडी मैं टीम पे कंफर्म कर चुका हूँ भाई, तो ये जो टीम है आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर हमने प्लेयर को पिक कर चुके हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे नो डाउट भाई काफी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्रतीक दहिया को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, और कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर काफी प्लेयर्स रहने के बावजूद भी यहाँ पर आपको मैं कौन सा प्लेयर सही रहेगा भाई, ये डाउट आपको जरूर आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं सुशील ओम के साथ जाऊँ, आप चाहे तो फजल को ले सकते हो भाई, काफी प्लेयर है, आपको मैं बताना चाहूंगा भाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कुछ प्लेयर डिजर्व कर रहे हैं, फजल काफी बढ़िया पिक है भाई, उसके बाद रोहित गुड़िया और यहाँ पर अक्षित डुल, दोनों का ट्राई कर सकते हो, और राकेश की हर मैच में बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस जा रहा है, तो आप इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये जो टीम है भाई अब देख सकते हो, दो डिफेंडर फजल अतराचल, सौरभ नंदल, आप चाहे तो सुरजीत को ट्राई कर सकते हो, सोमवीर को ट्राई कर सकते हो, रोहित गुड़िया, अक्षित डुल, आप चाहे तो यहाँ पर इस्माइल नबी बख्श को ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको राइडिंग डिपार्टमेंट में राकेश, प्रतीक दहिया, सुशील ओम, भरत है भाई, सोनू जगलन है, काफी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो टीम है भाई पहले इस टीम को आप सेव करके रख लेगा, क्योंकि आपको मैं 5 से 10 मिनट पहले आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप टीम को सेव करके रखिएगा, आपको काफी कुछ फायदा मिलेंगे भाई, फाइनल टीम फर्दर अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। तो भाई पहले मैं इस टीम को सेव करके भी रख चुका हूँ, यहाँ पर आपको 3 vs 4 की कॉम्बिनेशन भी नजर आ रहे हैं, तो आपको मैं 5 से 10 मिनट पहले भाई आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी कुछ फायदा मिलेंगे भाई, और इसी प्रकार आपको मैं बेस्ट वीडियोस बनाते रहूंगा, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, काफी मैचेस हम लोग कवर कर रहे हैं भाई, और बैक टू बैक यूजर्स लॉस को रिकवर भी कर रहा भाई, अगर आपको भी अपने लॉस रिकवर करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आ रहे हैं भाई तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, उसको मैं जरूर इंप्रूव करूंगा, अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है भाई तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, आपकी जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए भाई मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर देना, थैंक यू, जय हिंद।